ये जो है पेटिस बनाने लगे इसकी फीलिंग, तो आप लोग बताओ पर क्या भर रहे हो इसके अंदर, फिल क्या कर रहे हो? ऐसा मिक्सचर यू नीड या आप इसको कटिंग करें आप लोग स्क्वायर पीसेस में या जैसे भी आप लोगों ने बनानी है। ये जी पफ पेस्ट्री, ये मैं लेकर आई हूँ स्टोर से लेकर आई हूँ रेडीमेड। अब इसको करेंगे स्क्वायर पीसेस जितने भी चाहिए, तो मेरा ख्याल है इस शीट से जो है 12 बनेंगे, 3 and 4 लाइक दिस। तो 3 लाइंस इस तरह लगा दो। पैटीज एक्चुअली हम लोग फिल कर रहे हैं, बना रहे हैं एक्चुअली। फिलिंग जो है या नाइस नाइस ओके जी। इसकी जो फिलिंग है मैंने खुद बनाई थी और ये भी बहुत इजी से मैंने इसमें डालना है चिकन, चिकन ब्रेस्ट 2 बड़े पीस मैंने लिए थे और साथ में मैंने कैरेट डाली है और साथ में मैंने कॉर्न डाली है और फिर मैंने वाइट सॉस अलग से बना के ऑनियन भी डाला था इसमें और फिर मैंने इसके अंदर नमक मिर्च और काली मिर्चें, ज़्यादा मसाले नहीं डाले। ये फिलिंग जी जाएगी हमारे पैटीज के अंदर। तो चलें जी आप भी देखें कैसे बना रहे हैं हम लोग। ये इस तरह से इसको काट लिए, छुरी की मदद से काट लो या पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लें और इस तरीके से इसकी फिलिंग करनी है। चिकन बोनलेस आज जो है वो सेकंड रमजान है, सेकंड रोजा है एक्चुअली। हम लोगों ने पहले से नहीं बनाया था तो ये आज हम लोग बना रहे। तो ये मेरे पास जो है ना ये 5 शीट्स हैं और ये इससे 60 जो है वो बन जाएंगी। शेप जो भी देना चाहो आप लोग दे सकते हो। राइट नाउ तो मेरे ख्याल ये ट्राइंगल शेप जो है वो बना रहे, लेकिन आप राउंड भी इवन बना सकते हो और जो भी है ना, और फ्लावर शेप्स जो हम बनाते हैं बीच में रख के मटेरियल, और इसके ऊपर सच एग भी लगाना है तो वो हम उस वक्त ही लगा लेंगे है ना जब हम इसको बेक करेंगे। तो आज हम बनाएंगे तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को इसी के ऊपर, इसी की शीट लेके ना इसी के ऊपर रखते जाओ। ये ट्राइंगल शेप, इसके आप फोर्क से ऐसे भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर दिल कर रहा है तो बना लो, नहीं दिल कर रहा तो ना बनाओ। अच्छा है अफ्तारी के लिए बना 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 ले तो ये अच्छा है, ये बना लो डिज़ाइन ऐसे ठीक है, प्लेन भी ठीक है, उससे ही होगा कि वो ज़रा सा इसके ऊपर जो है ना वाइट अंडे की सिर्फ सफ़ेदी लेके ब्रश से लगा के और इसको बेक करना है। बेक हम लोग इस उसमें करते नहीं, कौन सी डिग्री में? 300-400 में वो देख लूँगी मैं, और मेरा ख्याल है 15 मिनट्स में ही रेडी हो जाती है। फिलिंग जितनी दिल चाहे भरो, जैसे ये लोग जो है ये इस तरीके से ये फिलिंग हो रही है, बहुत भी नहीं भरो कि वो खुलना शुरू हो जाए। अच्छा एक में हम लोगों ने की थी सिर्फ चिकन वाली फिलिंग ना, और ये हम लोग बना रहे हैं चीज़ वाली। नीचे तुमने सॉस कौन सी डाली है? डिल मस्टर्ड। या डिल मस्टर्ड डाल के मोज़रेला चीज़ और इसको ये वाली शेप दी है फ्लावर टाइप। या इसके ऊपर टोमेटो रखेंगे और ऊपर रखेंगे ऊपर पे थोड़ा सा चीज़। ये फर्स्ट टाइम बना रहे तो बेक करेंगे इसके बाद और फिर इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके ऊपर इज ओके टोमेटोज के ऊपर जो है ना थोड़ा सा सॉल्ट और सॉल्ट टोमेटोज के ऊपर हम पे चीज मोज़रेला, अंदर भी इसके चीज है मोज़रेला और
और इसके ऊपर भी हम ना मोज़रेला चीज़ डाल के इसको बेक करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं ये बना रही हूँ, देखते हैं किस तरह का इसका रिज़ल्ट आता है। पैटीज जो है वो रेडी कर ली है हमें, और इसमें जो है वो चिकन वाले हैं और मैंने जो है चीज़ वाले भी बनाए। मैं अंडा आज नहीं लगा रही हूँ क्योंकि टोमेटो के ऊपर तो अंडा नहीं जाएगा, तो दूसरे वाले भी मैंने इसके साथ ही बेक करने रखे हैं। अब इनका फाइनल रिज़ल्ट आपको शो करती हूँ जब ये बेक होके बाहर आएंगे। और ओवन को मैंने रखा है 350 फॉरनहाइट। अभी ये 190 है लेकिन मैंने इसको 350 पे करना है, और ये 15 मिनट के लिए बेक होंगे। पैटीज जो है वो बेक हो रहे हैं, ये इतने जो है ना फ्लफी हो चुके, और अभी भी इसका 8 मिनट अभी रिमेन होंगे, और ये पैटीज जो है ना वो फ्लफी हो रहे हैं। अभी 8 मिनट के बाद इनको निकालेंगे ओवन से। ये 25 सेकेंड्स लेफ्ट, और इसके बाद मैं अपने ओवन से निकालूंगी। ऑलमोस्ट बल्कि बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया, फ्लफी हो चुके हैं। जी एंड हो गया टाइमर का, इसको निकालते हैं, देखते हैं जी। So good. ये फ्रेश पेटीज जो है वो रेडी हो गए, ये थोड़े क्लोज मैंने रख दिए थे बाहर इस तरह की शेप। चलो ओवन को कर देते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।